प्रभु गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के सानिध्य में विवाहोपरांत श्री अवध आए। जीव का व्यवहार है वही भगवान अवतार में भी निर्वाह कर रहे हैं। विद्या अध्ययन के बाद के संस्कार का नाम है समावर्तन, फिर होता है विवाह। विवाह में प्रवेश की तैयारी का नाम है समावर्तन। कुछ करे धरे कमावे तबे न गृहस्थी में सुख बढ़ेगा। जो कुछ करेगा धरेगा नहीं उसके विवाह का तो कोई अर्थ नहीं होता। गृहस्थ में तो भैया अर्थ बिना सब अनर्थ हो जाएगा। जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना। यहां दरबार में क्या कमी है। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी 3 श्लोकों से वंदन करते हैं। भगवान शिव का वंदन, वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्यो रसि व्यालराट। भगवान शिव का स्मरण करते हैं, मेरे ठाकुर के सिर मुख का स्मरण करते हैं। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तुषा मंजुल मंगल प्रदा। और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं पूरी राम कथा का स्मरण करते हैं। दसवां नीलांबुज श्यामल को सीता समारोपित पाण महासायक नमाम रामं रघुवंशनम। प्रभु के सभी स्वरूप लीला का दर्शन हो। नीलांबुज श्यामल को मनांगम बाल लीला सरकार का चिंतन। सीता समारोपित वाम भागम श्रृंगार लीला विवाह की कथा। अरण्यकांड पाणौ महासायक चारुचापम प्रभु वन में वापस आए नमामि रामम रघुवंशनम। ऐसी कथा गाइए, चिंतन करिए। होठ से न गाइए, कंठ से गाइए। कंठ से भी न गाइए, नाभि से गाइए। कल हमारे वैद्य जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, हमारा श्री जीभ से नहीं गाया जा सकता है, गायन नाभि से होता है। जीभ तो केवल बाहर कर देती है। आओ, बहुत बढ़िया बात वैद्य जी बताए, हरिद्वार वाले क्या बात है। शरीर वैसे रहता है, हाथ पांव भी रहता है, न हिलता है न डुलता है न चलता है न तौलता है, ऐसे उठाओ तो नीचे आ जाता है। इसका अर्थ ये है न हाथ करता है न पांव करता है, इसके अंदर कुछ है वही करता है, वही करता है, है? वही बोल रहा है, वही खींच रहा है, वही अब लगता है सब हम ही कर रहे हैं। शरीर में एक ऐसी अवस्था आती है कि आदमी जो गड्डी उठा के रख देता है सीताराम जी की, वो गिन नहीं पाता, कहता है इसमें से गिन के ले लो। ये है
ध्यान रखिएगा, इसलिए नहीं कहते कि आप ईमानदार हैं, इसलिए कहते कहीं हम ज्यादा ना गिन जाएं। हाँ, इसलिए देखते तो जब कोई गिनता है तो वृद्धावस्था देखती है, कैठे है 17 लाओ गिन के लाओ। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, जगत से इतना ममत्व हो जाता है इसमें रहते रहते हो। अब देखिए इस कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने गुरु स्मरण किया, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुख सुधार, बरनो रघु बर विमल सहज। गुरु स्मरण करता हूं, ग्राम यश वर्णन करता हूं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और बाबा ने पहली पंक्ति क्या आनंद में लिख दी हो, प्रभु का नाम लेते ही सबका नाम आ गया। जब तेरा गोस्वामी जी का क्या भाव है वो है? जसी रघुबीर ब्याह विधि सकल कुंवर ब्याहे ते ही कर। जैसे रघुनाथ जी का विवाह हुआ था उसी प्रकार सबका ब्याह आधी अर्धाली में हो गया। हाँ, हुआ सब वैसे जैसे पहले हुआ था, सब करना पड़ा। सरकार आए, रिद्धि सिद्धि रूपे सुख संपत्ति की नदियां अवध की ओर। देखिए ऐश्वर्य में रहना यह आनंद है, भगवान ने दिया है। तो अब ऐश्वर्य ऐसा नहीं कि जैसे भगवान मुकुट पहरे तो वैसे हम मुकुट पहरे, एक बार हमको कथा में किसी ने मुकुट पहरा दिया, हमने कही का हो अब का बलि करना है, कहा क्या भैया। हाँ, जो बकरा को जब ले जाते हैं ना बलि देने तो सब दुनिया भर का उसका श्रृंगार उंगार करते हैं, मुकुट उकुट बांधते हैं लोग, जो सजावट करते हैं। ये सब मनुष्य को भगवान वाला कोई व्यवहार नाटक का नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा बुरा परिणाम होता है। अपने पौंडरी का नाम सुना होगा, वो नकली चार भुजाएं लगा घूमता था भगवान की तरह। अरे भगवान भगवान है, भगवान सुनते थे, अपने ही नाम रखा था, मैं ही वासुदेव। भगवान ने फिर उसका बड़ा आदर किया। हाँ, भगवान की प्रकृति माफ नहीं करती है, भगवान किसी को सजा, भगवान तो देख देख मुस्कुराते हैं, कभी भगवान का चोला ना पहरे, भगवान का भगवान को शोभा देता है। तो ऐश्वर्य है जगत में, व्यवहार में खूब ऐश्वर्य में रहिए, आप सुखी रहिए, बढ़िया से बढ़िया रहिए। ऐश्वर्य सबको नहीं मिलता, जिसको मिलता है उसको व्यवस्थित रहना चाहिए, सुखपूर्वक रहना चाहिए। आपने अष्ट सिद्धि और नव निधि सुनी, तो निधियां किस लिए हैं? तो निधियां जीने के लिए हैं, कोई रखने के लिए थोड़ी, स्वभावतः आती जा रही। महाराज गदगद हैं, कान के पास के बाल श्वेत भाई महाराज ने देखा, अंदर से ज्ञान हुआ, राजन राम जी को जो राजपथ पर बिठाई है जीवन का लाभ प्राप्त करिए, ये होना चाहिए। देखिए अपना अधिकार शीघ्रात शीघ्र ट्रांसफर करिए, हैंड ओवर करिए, ये ना ढूंढिए कि मेरे मन का मेरे जैसा मिलेगा, ना ना। आदरणीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने सौंप दिया अपने बेटे को, जानते थे कि हम ही तब तक लड़का नेता बन जाए, बाद में बन पावे कि न बन पावे। बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम किया, हमको तो बड़ी खुशी हुई, मैंने टेलीफोन करके बधाई दिया था। हाँ, मुझे इस बहुत अच्छा लगता है, पिता को समय रहते सारी व्यवस्था, बीच में कोई खटपट करेगा तो पता चल जाएगा ना, फिर उनको निकालना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा, सब करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बढ़िया विवेक, ये जितना कहिए उतनी प्रशंसा करने लायक व्यवहार है, पिता को पुत्र को समय रहते। अरे कब तक समय तो आ गया ना, दिया जाए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कितनी सुंदर रचना बनाई, नृप जुवरा
राम कहु दे जीवन जनम चक्रवर्ती महाराज ने विचार किया। देखिए सोचा किसी का हुआ नहीं, सोचिए मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पीछे का सोचो नहीं, करो, कर डालो। सोचा हुआ होता तो हम लोग धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी से जाते। तो विभीषण जी ने ऐसी रचना बनवा दी प्रभु से निवेदन करके कि ब्रह्म वेला में ही उत्पात करा दिया तो रावण चला आया युद्ध करने, सूर्य दर्शन नहीं हुआ उसको। उसने संकल्प लिया था ना प्रातः काल सूर्य का दर्शन हो जाए तो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा। अरे हो वे नहीं करेगा कि समय आ गया। सोचना नहीं करना, क्रिया सिद्धि महता, क्रिया सिद्धि श्रेष्ठतम को क्रिया सिद्धि करना है भाई। सोचने का काम अपना नहीं है, करना पहले चाहिए, सोचने का काम बाद का है। सोचें और लोग, अपना तो करना है बस। करना क्रिया सिद्ध सत्वे भवती महताम न उपकरणे, उपकरण इकट्ठा न करिए, भी कर ले वो भी कर, करो काम करो नजे। भगवान करते हैं और वही दिखा देते हैं जीव को। अब भगवान आए किस लिए, ध्यान रखिएगा। ये वनवास की कथा पूज्यपाद गोस्वामी जी का अपना प्रबंधन है, सप्त प्रबंध सुभग सो पाना। उत्तम ये है भगवान ने लोक मंगल के लिए अयोध्या जी का राज सिंहासन स्वयं स्वीकार ही नहीं किया। गुरुदेव भगवान ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। और चक्रवर्ती जी ने सोचा सूर्य वंश की गादी पर बैठना है युवराज पद पर राम जी को, ब्रह्म स्वरूप नहीं पुत्र स्वरूप राम जी को। ऐसा करते हैं प्रातः काल गुरु जी तिलक कर देंगे। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए तो क्या हो, करने नहीं चाहिए। देखिए दो बात का समझ सदैव स्मरण रहे, यदि किसी से झगड़ा करना हो तो अगले दिन करना चाहिए सवेरे जलपान करने के बाद। कल बताएंगे आपको। और दान पुण्य सत्कर्म करना हो तो तुरंत करना चाहिए। क्यों, रात भर में झगड़े का मन बदल जाता है और दान पुण्य कल पर टालेंगे आप तो रात भर में उसका भी मन बदलता। अरे सब लोग कर रहे हैं हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब तो कर ही रहे हैं। स्मरण रहे उत्पात आपस में भी करना हो ठीक है, ठीक है सो ये कल बताऊंगे। मन बदल गया अब क्या बताएंगे। फिर उसकी प्रीति स्मरण में आती है, उसकी ममता स्मरण में आती है, तत्काल नहीं, तत्काल नहीं। चक्रवर्ती जी ने विचार किया हो और आप जानते हैं क्या भैया, श्री अवध के जीवन में 14 वर्ष का वनवास उपस्थित हो गया, महाराज का महाप्रयाण हो गया, माँ के वचन मांग के कारण जगत जानता है राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जीना घटना नहीं है, मरना घटना नहीं है, ये तो मनुष्य सदैव ढल रहा है और खुश हो जाता है। हमारा आपका बचपन था, हम आप युवान हो गए, दाढ़ी बाल पक गया, दांत गिर जाएंगे, हम आप बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े होने के बाद एक डंडा हाथ में आ जाएगा और बूढ़े हो जाएंगे। अभी पूछ रहे हैं कौन आया, फिर पूछेंगे कौन आया, ये क्या, हम बड़े थोड़ी हो रहे हैं, हम घट रहे हैं, ये प्रकृति की व्यवस्था है। अब जब घट रहे हैं तो घटते क्रम में ही पुनः उत्थान समाहित होता है। बचपन से किशोर वय, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अगला पुनः बचपन। अरे भाई ये बचपन फिर मिलेगा, हाँ मिलेगा तो क्या करें, इस जीवन को इतना सुंदर बना लिया जाए, इतना मधुर बनाया जाए, इतना धर्म समन्वित बनाया जाए, इतना सदाचारमय बनाया जाए,
कि अगला बचपन हमारा किसी भागवत के घर में प्राप्त हो, ये धन्य। अगला बचपन भैया वहां मिले जहां हरि कीर्तन हो, हरि नाम, नहीं तो जी अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि हरि केवल हरि हरि हो, हरि हरि। अरे वो दिल्ली वाली माई भाई जी केवल हरी हरी बोलती है, हरी हरी साधु ला साधु ला, मतलब साधु राम बता। तो प्रभु को वनवास दिया नहीं गया, भगवान ने वनवास लिया। देखिए देने में लेने में इतने अंतर है, हमसे कोई ले लेता है तो हम रुष्ट होते हैं। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हो तो आपसे पहले कोई बैठा रहा हो अथवा कल बैठा रहा हो वो आ गया हो, जो चार दिन बैठा है वो आकर ये नहीं पूछता है आपको किसने बिठाया, ए मिस्टर उठो, क्या बात है चार दिन से इसी पर मैं बैठ रहा हूं। तो आपने दिया नहीं, अगले ने लिया। अब वो तो प्रेम से बैठ के कथा सुनेंगे लेकिन आप जब तक वो बैठे रहेंगे, क्योंकि वो कुर्सी ली गई है, दी नहीं गई है। और कदाचित आपने देखा आदर आया आपके हृदय में, आप खड़े हो गए, तो अब कुर्सी दी गई, तो दी गई तो वो बैठ गए, आप सामने बैठ गए, आप कथा सुन रहे। लेने देने में इतना मूल अंतर है, जब हम देते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और हमसे जब कोई ले लेता है तो हम खिन्न होते हैं। तो देना अच्छा है लेना अच्छा नहीं। भगवान ने किसी के देने पर वन नहीं लिया। देखिए मां ने वचन मांगा, चक्रवर्ती जी ने वचन दिया नहीं, वचनबद्ध हो गए थे। वो तो कहते हैं कि हे सूर्य भगवान आप उदित न होइए, नहीं तो आपको बड़ा दुख पहुंचेगा, राम जी बन चले जाएंगे। क्यों जानते हैं सूर्य भगवान कि राम जी एक वचनी है, राम जी पितु आयसु पालक हैं, ध्यान रखिएगा। सत्य वचन का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरे का मित्र हो सकता है, अपना वो शत्रु होता है। जैसे ईमानदार व्यक्ति दूसरे का हितैषी तो हो ही नहीं सकता है कलयुग में, और अपना सर्वप्रथम शत्रु होता है। क्यों? जब वो अपना कोई ईमान से गिरकर काम सिद्ध नहीं कर सकता है तो दूसरे का तो भगवान ने बचावे, वो कोई काम नहीं करेगा, वो उस केवल सत्य का काम करेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान खड़े रहते हैं, काहे युग कोई भी हो सत्य के साथ भगवान खड़े। क्यों? भगवान का नाम ही है रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी, सत्य नारायण भगवान की जय। आपने किसी कथा में सुना होगा झूठ नारायण भगवान की जय, कोई कहता है क्या? नहीं ना, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की ओम, तुरंत संघ बजता है हाँ के लिए। पांच बार सत्यनारायण भगवान की कथा में जय होता है और पांच बार शंख उसकी गवाही करता है। बिना शंख ध्वनि के ब्राह्मण देवता पूजन नहीं करते, शंख का मतलब अ तो मैं भी था वहां, गरुण जी ये भी थे वहां, ऐसे नहीं होता। ये सब कारण है, सकारण नहीं, अकारण नहीं, सब सकारण है जो होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा जो भी है सकारण है, पता कौन लगावे? अच्छा हम लोगों के पास बताने का समय नहीं है, तीन घंटे में कुछ आप कथा कहना है कुछ बाप कथा कहना है तो फिर कहां से बताया जाएगा। आप लोग थोड़ा अध्ययन करो, पुस्तक महल ने सभी बातों के लिए ग्रंथ निकाला है, आप उसको देखिए, सनातन धर्म के
मान बिंदु क्यों शंखत। हाँ प्रातस्मरणी आचार्य केशवाचार्य जी ने भी निकाला है क्यों, क्यों दो खंड में पुस्तक है क्यों, शंखत ध्वनि क्यों, जय क्यों, शतरण कथा क्यों, तिलक क्यों, चोटी क्यों, शिखा क्यों, माताएं सिंदूर क्यों, सब उसमें लिखा है। कई बातें ऐसी हैं जो प्रचंड भगवान ने वनवास लिया, किसी ने दिया नहीं। हनुमान जी से भगवान ने क्या कहा, हम पितु वचन मानि बन आए। महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान क्या कहते हैं, था तो वचन पुनिमा तो हित भाई भरत मोकहु दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा। तात वचन, मैंने पिताजी के वचन का पालन किया, माँ का मंगल हुआ, भैया भरत साधु राजा बने और आपके दर्शन, ये मेरा सौभाग्य। अपने सौभाग्य का स्मरण करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं, अन्यथा निंदा नहीं। व्यर्थ की बात, सार्थक वार्ता हो, सार्थक व्यवहार की सिद्धि हो। मां से अनुमति ली और देखिए बड़ी अम्बा ने रोका नहीं, जो केवल पितु आयशु ताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। यदि केवल पिताजी की आज्ञा है तो मैं बड़ी मां हूं, पिता से अधिक अधिकार मां का होता है संतान पर, आप न जाइए। परंतु यदि माता पिता दोनों की सहमति है तो बन ही आपके लिए 100 अयोध्या जी के बराबर व्यवहार होगा, ये बड़ी अम्बा कहती है। माता पिता की आज्ञा का अर्थ होता है व्यवहार सिद्धि है। लक्ष्मण भैया भी तैयार, मां भी तैयार, सीता मैया, भगवान सबको प्रणाम किए, गुरुदेव भगवान को, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए और सरकार वन की ओर चल दिए। सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत प्रभु सबको वचेत करके चल पड़े, पूरी प्रजा भगवान के साथ लग ली हो। प्रजा साथ लग ली क्यों, राम जी सबको इतना प्रेम करते हैं, कोई अवध में रहने नहीं चाहता है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, तमसा तट पर सब लोग भगवत माया से सो गए। भगवान सुमंत्र जी महाराज से बोले रथ चिन्ह को मारकर आगे बढ़ाइए और गंगा तट पहुँचाए। प्रभु ने उतर कर दंडवती की है, गंगा जी की महिमा सुनाई, लक्ष्मण भैया माँ तात श्री को सिंहवेरपुर उपस्थित हुए ठाकुर। भगवान जब सिंहवेरपुर आए, निषाद राजगुह भगवान के सखा हैं, उन्होंने बड़ा स्वागत किया, बड़ा आदर किया है।